पुलिस भी आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बनवाया बैनिया बाग पार्क। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। सो आज हम आए हैं वाराणसी के बहुत ही फेमस, ये है बैनिया बाग पार्क। पहले यहाँ पे बहुत ही कूड़ा और ये सारी चीजें फेंकी जाती थी, बट जब से स्मार्ट सिटी बनारस का करने को आया है, तब से इस चीज को भी स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ पे एक बार बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा पार्क बनाने के लिए मतलब दिया गया है। तो यहाँ का जो आप देख सकते हैं, ये है आपका टिकट। यहाँ का आपको यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ का जो टिकट का प्राइस है वो है 10 रुपए। हम टोटल 4 लोग आए, तो आप देख सकते हैं ये 40 रुपए का हमने ये लिया है टिकट। और अब हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है। सो फ्रेंड्स, टिकट लेके आपको आगे जाना है और वहीं पे आपका टिकट चेक होगा। सो ये है यहाँ का बैनिया पार्क। स्टार्टिंग होते ही सबसे पहले यहाँ बच्चों की गाड़ियाँ, और ये काफी बड़ा मतलब बना हुआ है, काफी बड़े में इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या सारी चीजें हैं। बच्चों को एंजॉय करने के लिए कोई भी झूला या कुछ करा दिया। ये देख सकते हैं, एक मुझे यहाँ पे दिखा, इसमें बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े भी लोग बैठे हुए हैं, बस अभी फिलहाल एक ही ये दिखा हुआ है मुझे। कितने का टिकट है? 50 रुपए। 50 रुपए कितनी देर? 6 मिनट। गुल 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 गुल, कैसे फेंकेगा अभी क्या? अच्छा राम, तो फिलहाल अभी मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। इसको बने हुए आई थिंक 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, एक साल हुआ है इसको बने हुए, और मैं 1 साल से आज भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे, इसके पहले मैं नहीं आई थी। सो आप देख सकते हैं ये पार्क है बच्चों के लिए, आपके बच्चों का टाइम पास होगा और आपका भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे खुश होंगे तो आप भी खुश। देख सकते हैं 50 रुपए में आपको इस तरीके के आप हवा के झोंके की तरह से उधर फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे, और उतना ही मजा आएगा आपको। तो आप चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है, नहीं तो शाम हो जाएगी तो आप लोग बोलेंगे कि क्लैरिटी अच्छी नहीं है। चलिए, तो आइए अब आपको एक और अच्छी चीज दिखाते हैं, जो की है, अभी नहीं बताऊंगी, देखते हैं पहले क्या है। सो बनारस में होते हैं बहुत सारे घाट, और घाट में ये हम नहीं कर सकते, बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा कि ये चीजों के लिए ही मतलब जाते हैं उसका एक्सपीरियंस। सो ये है बनारस का पैडल बोर्ड, अभी तक आई थिंक कहीं नहीं था। अभी तक कहीं नहीं था बनारस में, बट ये बैनिया बाग पार्क में ये चीज स्पेशली ये भी बना दिया गया है, जो कि है हमारा पैडल बोर्ड, और आप देख सकते हैं वो ये है। सो यहाँ पे आप अगर आते हैं, चीज हमें मिली है जो कि है ये पैडल बोर्ड, और ये है, ये भी है, बच्चों देख सकते हैं कितने मोहब्बत के साथ वो अपने बीवी को खींच रहे हैं ताकि वो गिर ना जाए। तो ये भी बड़े ही करेंगे, ये बच्चे नहीं करेंगे। हाँ, बच्चों को इसके में अपने साथ ले जाया जा सकता है। तो ये हमें दूसरी चीज दिखी, ये देखिए गाड़ी,
ये देखिए, ये भी है बच्चों के लिए, लेकिन इसमें कुछ बड़े भी बच्चे बन के मजा ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें बेसिकली दो चीजें मिली जो कि बड़े और छोटे दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं। सो चश्मा लगा के कैसे लग रही हो वैसे, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, सो ये है पैडल बोर्ड और आई थिंक वो देखिए आपको डक दिख रहा होगा, उन्होंने ये भी डाल दिया है। सो ये बनाया गया है बोट, इसमें अलग से पानी डाला गया है इसको ये बनाने के लिए, है ना, पानी डाला गया होगा। तो यहाँ पे पानी डाला गया है जिससे ये आपका जो पैडल बोर्ड है ये चले। तो अब चलिए और दिखाते हैं, क्योंकि ये पार्क काफी बड़ा है और सब कुछ आपको दिखाना है, तो अब चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट चीज मैं इसका प्राइस आपको पूछ के बताती हूँ कि इसका प्राइस क्या है, अगर आपको करना है तो आप कितने में कर सकते हैं। ये भैया प्राइस क्या है इसका, 100 रुपीज का? कितनी देर, मतलब कहाँ तक पूरा? अच्छा पूरा कराएंगे 100 रुपीज में, और कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें? 4 लोग। तो 100 रुपीज में पूरा या फिर पर मतलब पर पर्सन? ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर पैडल बोर्ड करना है तो पर पर्सन 100 रुपीज, 4 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी मैं जा रही हूँ फोटो खिंचाने, तो आइए दिखाती हूँ वहाँ। हमने बहुत अच्छा सा फोटो क्लिक किया है, मैं एडिट करके आपको जरूर दिखाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इस पार्क में आगे और क्या क्या है, और मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मैं खुद भी देखती हूँ कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए आइए। सो फ्रेंड्स, इस पार्क को बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस में बनाया गया है, पूरा ये राउंड है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ना। और ये देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था हर जगह कुछ ना कुछ लिखा है, ये देखिए दर्शनीय स्थान, यानी कि यहाँ आप खड़े होके इस पूरे पार्क को देख सकते हैं। और पॉन्ड, तालाब, यानी कि इस तालाब के बारे में बताया गया जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पैडल बोर्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओपन एयर थिएटर, बाह्य रंग मंच। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से सिटिंग के लिए बनाया गया है, यहाँ पे बैठ के आप ये पूरे मतलब पार्क को देख सकते हैं सामने से बैठ के। तो आइए दिखाते हैं कैसे। तो ऐसे बनी हुई है ये इस टाइप से स्टेयर्स, और आप यहाँ पे ऐसे बैठ के इस पूरे मतलब पार्क को देख सकते हैं। पूरा पार्क यहाँ से दिखाई देता है, ऐसे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस जगह पे बैठते हैं ना तो आपको पूरा इस पार्क का लुक लगेगा। ये देखिए लाइटिंग ऑन हो चुकी है इस पार्क की, क्योंकि अंधेरा हो रहा है अभी, तो लाइट्स ऑन हो चुकी है। और अंधेरा होने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, एंड नाइट का लुक तो मैं आपको दिखा ही दूंगी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं यहाँ पे और क्या है। आइए आइए आइए, आ जाइए, कपल को ज्यादा नहीं देखते हैं, आइए ये पार्क देखते हैं, कपल नहीं। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे बैठ के आप इस पूरे पार्क को देख सकते हैं ना, बट आप जब यहाँ बैठेंगे तो ऐसे देखिए ये सामने आपको ना एक स्टेज टाइप का दिखेगा, ये देखिए। तो इन फ्यूचर मे भी हो सकता है इन्होंने इसलिए भी बनाया हो कि अगर यहाँ कोई फंक्शन वगैरह या कुछ हो तो उस केस में भी यहाँ पे बैठ के सारे लोग उस चीज को एंजॉय कर सके। और यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी 2-3 हो चुके हैं, और अब जब भी नेक्स्ट कोई अगर फंक्शन यहाँ होता है तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पार्क तो देखने के लिए बना ही है, बट उसके अलग से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इतनी जगह है यहाँ पे दी हुई है, तो इस जगह पे अगर इन्होंने चेयर वगैरह भी लगा दी तो बहुत सारे लोग, और अदरवाइज अभी तो स्टेयर्स है ही, तो उसपे बैठ के काफी लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, क्योंकि बज रहे हैं, देख रहे हैं आप 6, और धीरे धीरे हो जाएगा अंधेरा, तो मुझे थोड़ा सा आपको पहले ही सब कुछ दिखाना है। तो अब चलते हैं आगे, आ जाइए। तो बेसिकली ऊपर कुछ भी है नहीं, बट एक बार दिखा देते कि ऊपर क्या है। नहीं नहीं है, है 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 ऊपर। सो ये है यहाँ पर फिलहाल, अभी है खाली बंजर जमीन, बट यहाँ पे मुझे लगता है कोई भी, जैसे बनारस में तो काफी सारा पता नहीं क्या क्या होता रहता है, तो अगर कोई भी फंक्शन या कुछ भी पड़ेगा ओकेजन वगैरह, तो आई थिंक अभी शॉप्स यहाँ की बंद है, बट वो ओपन हो जाएंगी फिर। तो यहाँ शॉप है
और कुछ भी नहीं है। और आप ऐसे घुमा के मैं आपको दिखाती हूँ कि यही वो स्टेयर्स थी और वहीं होता है वो फंक्शन, अगर यहाँ पे बैठ के देखना चाहे कोई, और पूरा पार्क तो दिखता ही है। तो अब चलते हैं आगे। कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें एक्टिविटी मिलती जाएंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मतलब अनोखी सी चीज हमें देखने को मिली। ये मिनी ओपन बस है, ये बड़े बड़े शहरों में ही जैसे मुंबई वगैरह में ही ये बहुत बड़ी बड़ी चलती है। सो बनारस में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि ये चल सके, तो इस पार्क में इन्होंने एक मिनी बस ला दी ताकि जो बच्चे हैं उनको पता चल सके और कैसा फील होता है उसमें बैठ के। बड़े तो नहीं बैठ सकते बट हाँ ये बच्चों के लिए है, बच्चे बैठ के इसमें इंजॉय कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको चटपटे और तीखे और मीठे गोलगप्पे खाने हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पे खाने की भी अच्छी खासी सुविधा है, अगर अंदर आ गए तो भूखे नहीं जाएंगे, ये गारंटी इनकी है, मेरी नहीं। आइए। सो यहाँ पे आपको खाने का कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अंदर पार्क में सब कुछ मिल जाएगा। आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ पूछ के, यहाँ का प्राइस क्या है, क्योंकि हम बाहर भी खाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें महंगा पड़ता है या सस्ता। तो आइए बताते पूछते और बताते हैं आपको। भैया गोलगप्पे कैसे बीस का छे। यहाँ पे प्राइस पूछा और यहाँ पे भी 20 का 6 ही मिल रहा है, तो बाहर के सेम प्राइस है, कोई बहुत महंगा नहीं है, सेम प्राइस दे रहे हैं, अच्छा है, खा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो अंदर आके आराम से बैठ के आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है, आइसक्रीम मिल रहा है, कॉफी मिल रहा है, केसरिया दूध मिल रहा है, मिल्क शेक मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। और आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे सुकून से बैठे हैं क्योंकि आज का मौसम बहुत ही खुशनुमा सुंदर और अच्छा अच्छा है। तो देखा अच्छा था ना मौसम, अब चलिए आगे, आ जाइए, मौसम पे ध्यान मत दीजिए, आ जाइए। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये एक्सरसाइज के लिए भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योगा गार्डन, यानी कि योगा स्थल। इस जगह पे इन लोगों ने बहुत कुछ मतलब नहीं फैलाया है, क्योंकि इस जगह पे आप आकर योगा भी कर सकते हैं। और यहाँ से ही शुरू होती है वो एक्टिविटीज जो कि आपको एक्सरसाइज करने में मदद करेंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने जब एंट्री करी आपने देखा होगा मैंने स्किप नहीं किया है, इस वीडियो को स्किप मत करना। आप जब स्टार्टिंग से ऐसे आओगे अंदर और राउंड स्टार्टिंग से करोगे तो आपको एक चक्कर लगाने के बाद आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो ये है वॉशरूम, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था योगा स्थल। जी हाँ, तो योगा स्थल के जस्ट राइट साइड आपको मिलेगा ये। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ का ग्राउंड है, यहाँ पे सारे बच्चे फुटबॉल या जिसको भी जो वॉलीबॉल या जिसको जो खेलना है वो खेल रहा है इस ओपन प्लेस पे। तो बाकी उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा नजारा है और यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्लावर्स और लाइटिंग्स कितनी अच्छी करी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी सुकून मिलेगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है ओपन जिम, ये ओपन जिम है। और ओपन जिम में यहाँ कैसे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आई डोंट नो, यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन जिम, यानी कि आप यहाँ पे आके योगा और खुले वातावरण में जिम को भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी हल्का सा बना हुआ है बच्चों के ही लिए, यहाँ पे बच्चे स्केटिंग वगैरह करते हैं, देखिए कर रहे हैं अभी जैसे। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे और ये आ गया है आपका ओपन जिम। यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं आई डोंट नो अबाउट मोर अबाउट जिम, सो कुछ चीजें मैं आपको बता सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड कि किससे क्या होता है। अच्छा ऐसे, सो ये एक्सरसाइज आई थिंक ऐसे होती है। तो बच्चा देखिए एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरी दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे क्या है इसको ऐसे। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे आप कर सकते हैं, ये आएगा इसके लिए, है ना, इसके लिए। बच्चा एक मिनट साइड हो जाना। सो ये तो आपको पता ही होगा ये क्या है, इसमें ऐसे बैठना है और उसके बाद आपको ये ऐसे करना है और ये ऐसे करना है।
सो ये है, आ जाओ कर लो। सो देख सकते हैं ये था आपके शोल्डर्स के लिए। जो जिम करते होंगे भाई साहब लोग, उनको पता होगा कि ये सब क्या क्या है। सो अगर खुले वातावरण में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से ओपन कोई भी रास्ता नहीं है। कूद के जाएं क्या? लेकिन ये चुभ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं कहाँ चुभ गया। तो इसलिए कूदने का भी मत सोचिए, जो रास्ता है उस रास्ते पे जाइए। अच्छा 1000 मतलब लगेगा अगर किसी बच्चे को अपना। हाँ हाँ, और 1 घंटा कराता हूँ मैं यहाँ। अच्छा डेली या फिर कोई ऐसा टाइम? पर डे। ओके अच्छा। 14 गोल्ड 8 सिल्वर 1 ब्राउन सभी डिस्ट्रिक्ट में लेकर आते हैं हमारे बच्चे। अच्छा, बच्चे के पास कम से कम 4 गोल्ड में। ओके तो नए बच्चे हैं वो तो अभी बिल्कुल चले गए, शायद आपने देखा होगा। हाँ हाँ देखा मैंने। हाँ एंजॉय भी कर रहे थे, है ना? अभी यहाँ पे ये है कि ये बच्चे खेल नहीं रहे, ये बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे। सो जैसे जिम का मैंने आपको बताया कि हंसी मजाक का वो अलग चीज है, बट आप यहाँ पे आके सीरियसली कर सकते हैं। ओपन जिम बना हुआ है और ये यहाँ पे स्केटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। आप चाहें अगर आप वाराणसी के हो तो आप भी अपने बच्चों को स्केटिंग सिखाना चाहते हैं। और एक चीज आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे है ये पार्क वैसे बच्चों के लिए है ना, बट आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई यंग लड़का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के माता पिता वाले जैसे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, तो पुलिस भी आ रही है यहाँ की सेफ्टी के लिए। तो ये फिलहाल सेफ और अच्छी जगह है आपके, अगर आपको टाइम पास करना है, आप घर में बोर हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ जा सकते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर अदरवाइज अगर आप वाराणसी के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो भी आप आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस पार्क में आपको आना है तो सबसे पहले आपको गुदौलिया आना पड़ेगा, और गुदौलिया से फिर आप जब नई सड़क की तरफ आएंगे तो आपको बेनिया बाग मिलेगा, वहीं से ये पार्क आपको मिल जाएगा और वहीं पे ये पार्क पड़ता है। मेरा कंप्लीट। आई होप मैंने आपको एक एक चीज दिखाने की कोशिश की है, कोई भी कोना नहीं छोड़ा है, सारी चीजें आपको दिखा दी हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी कि यहाँ की टाइमिंग क्या है, तो वो अभी मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ कि यहाँ आप कितने बजे से आ सकते हैं और कितने बजे तक जा सकते हैं, यानी कि आपकी एंट्री कितने से कितने बजे तक है। तो अब चलिए और देखिए यहाँ का व्यू इस तरह का जाते हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टिकट का देख सकते हैं कि सारे गेम्स के कितने प्राइजेज हैं। सर ये पार्क कितने बजे मॉर्निंग में ओपन हो जाता है? 4 बजे। और कितने बजे तक ओपन रहता है? 10 बजे। तो जैसा कि टाइमिंग है यहाँ पे सुबह भोर में से, यानी कि अगर ओपन जिम है तो आप भोर से यहाँ पे कोई भी आके ओपन जिम कर सकता है, और रात में 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। तो ये है इस पार्क की टाइमिंग, अब चलिए और देखिए। सो टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेके रात में 10 बजे तक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये भी है, स्टैचू है, ये स्टैचू है आपका लोक बंधु राज नारायण जी का। तो ये कहां से पूछते हैं? ये स्मार्ट सिटी का एक पहला पहल है जो कि वाराणसी में किया गया है, और वो है इस पार्क को बना के काफी सारे लोग यहां पे आके एंजॉय कर सकते हैं, खुद भी और अपने बच्चों के साथ भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो या चाचा बाय बाय।